सबसे बड़ा हक क्या है? इस कायनात का खालिक मालिक और हाकिम अल्लाह, उसका हुक्म यहां नाफिज होना चाहिए, यह हक है। अगर नहीं है तो अल्लाह के खिलाफ बगावत है। इसकी आप अगर तलकीन करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के बागी करार पाएंगे। पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये डफली क्या बजा रही है? खुदा की सॉवरेंटी, ये सबसे बड़ा हक है। इस हक पर जो भी रिजेंटमेंट हुई थी मक्के में, जैसे जैसे सताए गए थे हुजूर और आपके साहबा, वो आपके इल्म में। अगर तवासी बिल हक हो रहा और रिजेंटमेंट ना हो तो फिर आप हक की तालीम नहीं दे रहे, उसके किसी ऐसे जुज की दे रहे हैं कि जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचता। बस ये कोई जेंटलमैन एग्रीमेंट है आपका वक्त के निजाम के साथ, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, बाकी हमें वास कहने दो, कह जाओ। इसीलिए फरमाया मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो शख्स तुम में से किसी मुनकर को देखे, किसी बदी को देखे, किसी खिलाफ अखबात को देखे, उसका फर्ज है कि उसे ताकत के साथ अपने हाथ से रोके। फैलिम यस्तते, अगर इसकी ताकत ना हो, पबे लिसान ही तो जबान से तो कह दो कि खुदा के बंदे ये काम ना करो, ये गलत है, ये हराम काम है, अल्लाह के गजब को दावत न दो, ये तो कह दो। और अगर जबानों पर भी ताले डाल दिए गए हो तो फिर कम से कम दिल से शदीद नफरत करो। अगर ये भी नहीं है तो फिर ईमान नहीं है। जाले का अज़ाफुल ईमान, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तते फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तते फ़बिकल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। अगर ये भी नहीं है, बदी को फैलते हुए फलते हुए फूलते हुए हम देख रहे हो और हमारी नींद में भी खलल ना आए,